इस देश में शायद ही कोई सरकारी काम समय पर होता है, इसीलिए झुंझुनू के लोगों को ब्रॉडगेज लाइन के लिए अभी एक साल और इंतजार करना होगा, क्योंकि लोहारू सीकर लाइन पर बेहद धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। लोहारू सीकर ब्रॉडगेज 2007 में मिली मंजूरी, 2011 में रखी गई आधारशिला। जो रेल विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि मार्च में शुरू कर देंगे, हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि अभी दीपावली का पर्व आ रहा है तो लेबर छुट्टी पे चली जाएगी, तो 15-20 दिन वैसे काम डिस्टर्ब हो जाएगा, और कुछ इनके सामने वित्तीय समस्याएं भी है जो ये लोग छिपा रहे हैं। ये उधार में काम चल रहा है, ये उधार में काम चलना कितना दिन चलेगा? दीपावली तक तो देखिए, आप भी देख रहे हैं, दीपावली तक काम हो जाएगा। दीपावली तो अगले महीने, दीपावली तो नहीं है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पूरा प्रयास हमारा काम। 1 सितंबर 2012 को शुरू हुआ काम, काम की रफ्तार बेहद धीमी। मार्च तक कैसे पूरा होगा काम? झुंझुनू में एक दशक से ब्रॉडगेज निर्माण की मांग उठती रही है, लोगों की कोशिशों का नतीजा भी निकला और लोहारू सीकर ब्रॉडगेज लाइन को मंजूरी मिल गई। इसके लिए 1,647 करोड़ का बजट मुहैया कराया गया, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हुआ और जो काम हो भी रहा है उसकी रफ्तार को देखकर नहीं लगता कि जल्द ही लोगों का सपना पूरा होगा। रेल निर्माण विभाग के सीईओ के इस जवाब से यही लगता है। सीआरएस हम तो अपना बता सकते हैं कि हम अपना काम पूरा कर ले, उसके बाद सीआरएस कितना टाइम लेंगे वो तो वही बता सकते हैं। वैसे कई दिक्कतें पहले भी आ चुकी हैं, पेमेंट नहीं मिलने से ठेकेदार बीच में काम छोड़कर जा चुके हैं, इस वजह से 2 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं। कहीं स्टेशन का काम अधूरा है तो कहीं पटरियों का काम। रेल विभाग के अधिकारी निर्माण कार्य का जायजा लेकर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन निर्देश देना और काम होने में फर्क है, क्योंकि त्योहारों का दिन शुरू होने से मजदूरों की कमी होने वाली है। कब पूरा होगा काम? फायदे से इस परियोजना को 2012 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन काम की रफ्तार देखकर नहीं लगता कि इस वित्तीय साल में भी काम पूरा हो पाएगा। ऐसे में यहाँ की जनता को कुछ और इंतजार करना ही होगा। नैना शेखावत, समय राजस्थान, झुंझुनू।